नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज इंडोडो। मैं आपके साथ आशा मिश्रा। इस वक्त जैसे कि फरीदाबाद में क्राइम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक बार फिर से फरीदाबाद में गोलियां चलती है। मतलब मैं आपको बता दूं एरिया कौन सा था, वो 3 नंबर मस्जिद के पास कल रात में देर रात 11:30 बजे करीबन गोली चलती है, और कुणाल भड़ाना करके उन युवक का नाम था जो कि पार्षद के इलेक्शन में भी लड़ चुके हैं। वो अभी फिलहाल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और जो हमें सूत्रों के हिसाब से हवाले खबर जो हमें मिली थी कि पहले उसको बुलाया जाता बाकायदा दोस्त से फोन करवा कर, जब वो वहां पर पहुंचते तो उनकी बहस होती है, कहा सुनी होती है, उसके बाद उनसे गोलियों से हमला कर दिया जाता है, जो कि गोली उनके सीने में लगते तो ऑन द स्पॉट मौके पर मौत हो जाती है। और यहां देख सकते हैं परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे। और आपको बता दें नवादा गांव जो कि एनआईटी विधानसभा के पूर्व पार्षद जो है नगेंद्र भड़ाना, उनके छोटे भाई है, मतलब चाचा के लड़के हैं, जिनके अभी फिलहाल गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते परिवार के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए, क्योंकि गंभीर मामला है और एक युवक को ऐसे गोली मार दी जाती है। और रात करीबन 11:30 बजे का ये मामला है जिस वक्त सामने आया। पुलिस भी मौके पर यहाँ पर तैनात है, क्योंकि बड़ा मामला है। दिन लोग आजकल जो गोली करने के जो मामले हैं वो लगभग सामने आ रहे हैं, और एक बार फिर से रात में करीबन गोली चलती है। और रिंकू भड़ाना इनके बड़े भाई का नाम है, और कुणाल भड़ाना इनके छोटे भाई का नाम है, जिनका कल देर रात गोली मारकर देहांत कर दिया गया है, मतलब मौत हत्या कर दी गई है। फिलहाल अभी जो अपराधी हैं वो ये दे सकते हैं। मैं आपको बता दूं, माफ कीजिएगा, पूर्व विधायक जो थे एनआईटी विधानसभा के नगेंद्र भड़ाना, वो यहां पर पहुंचे, क्योंकि बताया जा रहा है उनके चाचा के लड़के हैं, छोटे भाई हैं, जिनकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस भी यहां पर मौके पहुंची हुई है। और ये देख सकते हैं मतलब तमाम जो लोगों की भीड़ है यहाँ पर, वो सभी नवादा गांव से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए गांव के लोग हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पर पूर्व विधायक जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए नगेंद्र भड़ाना। फिलहाल अभी उनके परिवार के सभी मेंबर यहाँ पर पहुंचे, और देख सकते हैं तमाम लोगों की यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि परिवार के मेंबर थे और परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे। और उम्र बता दो तो नाम आपको कुणाल भड़ाना नाम बताया जा रहा है, और उम्र जो है वो 28 से 30 साल उम्र बताई जा रही है। और दोस्त के पास पहले फ़ोन किया जाता है जिन्होंने मारा है, उसके बाद दोस्त को बुलाया जाता है, फिर दोस्त के साथ ये भी आते हैं, और उसके बाद पहले इनसे हाथापाई की जाती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद फिर गोलियों से इन पर हमला किया जाता है, जिनमें से एक गोली जो है वो इनके हाथ पर लगती है और हाथ से जाते हुए सीने पर लग जाती है, जिसका इनकी मौत हो जाती है। और गुस्साए जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुंचे, और साफ तौर पर परिवार का कहना है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धोखाधड़ी से पहले युवक को बुलाया जाता है उसके बाद गोलियों से वार किया जाता है। मैं आपको बता दूँ रिंकू भड़ाना इनके बड़े भाई का नाम है, और छोटे भाई जो है वो कुणाल भड़ाना है, जो कि पार्षद इलेक्शन में भी एक बार लड़ चुके हैं, और अभी फिलहाल उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अब कौन थे वो लोग, ये तो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई करने का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं और रात के 11:30 बजे करीबन का ये मामला है जहां पर गोली चल जाती है, और ये देख सकते हैं और युवक की मौत भी हो जाती है। तो यहां पर देख सकते हैं वहां पर आपको ये दिख रहा होगा एनआईटी के पूर्व विधायक नगेंद्र भड़ाना भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि परिवार के मेंबर थे तो जाहिर सी बात है पहुंचेंगे। और देख सकते हैं फिलहाल जो भी आगे की कार्यवाही होगी वो हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन एक बार फिर से बता दूं तो एनआईटी 3 नंबर मस्जिद के पास जो है कल देर रात 11:30 करीबन कुणाल भड़ाना नाम था युवक का, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और नगेंद्र भड़ाना के छोटे भाई जो हैं वो बताए जा रहे हैं, जो कि नगेंद्र भड़ाना पूर्व विधायक रह चुके हैं एनआईटी विधानसभा के, और उनके छोटे भाई बताए जिनके गोली मारकर हत्या कर दी गई। सोचे जब ऐसे जाने माने लोगों के भाइयों की हत्या की जाए तो सोचो और जो आम जन है उनके क्या हालात होते, मतलब जिस तरीके से फरीदाबाद में क्राइम बढ़ रहा है इस पे प्रशासन को कंट्रोल करने की आवश्यकता, इस पे कार्यवाही करने की आवश्यकता। आगे के जो भी अपडेट होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तो तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए सिटी न्यूज 100। मैं आशा मिश्रा, सिटी न्यूज 100 के लिए नमस्कार।